दोस्तों एक बार एक आदमी एक सर्कस के कैंप के पास में से जा रहा था। वहाँ उसने देखा कि कुछ बड़े बड़े हाथियों को वहाँ पे एक पतली रस्सी से बांधा हुआ था। दोस्तों उसने वहाँ जाकर देखा तो रस्सी बहुत ही पतली थी और बहुत ही छोटी थी। वो सरप्राइज हुआ कि ये बड़ा हाथी इस रस्सी को आराम से तोड़ सकता है, तो ये अपने आप को आज़ाद करके बाहर क्यों नहीं निकल जाता, ये इस रस्सी के साथ में क्यों बंधा हुआ है। दोस्तों उसने वहाँ पे खड़े एक आदमी से पूछा कि ये हाथी इस रस्सी को आराम से तोड़ सकता है, तो ये क्यों इसे नहीं तोड़ता। वहाँ पे काम करने वाले उस शख्स ने इसे कहा कि ये हाथी जब बहुत ही छोटे थे तब से हम इन हाथियों को इस तरीके की छोटी पतली रस्सियों से बांध के रखते थे। जब वो छोटे थे तब उनके लिए ये मुश्किल था इस रस्सी को तोड़ना। वो लोग काफ़ी जोर लगाते थे, रस्सी को तोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन उस टाइम ये रस्सी इनसे नहीं टूटती थी। उसके बाद में इन हाथी ने रस्सी को तोड़ना ही छोड़ दिया, कोशिश करना ही छोड़ दिया। तो जैसे जैसे ये बड़े होते गए वैसे वैसे इन्होंने रस्सी को तोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि ये रस्सी उनसे नहीं टूट सकती। दोस्तों वैसे ही स्टोरी हम सब की है। दोस्तों बचपन से ही हमारे आसपास के लोग, हमारा इन्वायरमेंट कई बार हमारे अंदर एक नेगेटिव बिलीफ डाल देते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते। उसके बाद में वो चीज़ हम लोग एक्सेप्ट कर लेते और वो काम करने की कोशिश ही नहीं करते। दोस्तों कई बार कोई काम हम लोग करते हैं, एक दो बार करने में फेल हो जाते, उसके बाद वो काम करना हम छोड़ देते, क्योंकि हमारे अंदर एक बिलीफ बन जाती है कि वो काम हम नहीं कर सकते। दोस्तों जैसे उस रस्सी ने उस हाथी को जिंदगी भर के लिए बांध के रखा, वैसे ही हमारे अंदर ये जो फियर ऑफ फेलियर है वो हमें जिंदगी भर बांध करके रखता है, हमें कुछ नया ट्राई नहीं करने देता। दोस्तों हम जब भी कुछ नई चीज़ देखते हैं उसे ट्राई करने में हम हिचकिचाते हैं, हम नई चीज़ ट्राई करना नहीं चाहते, नई चीज़ सीखना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि इसमें अगर हम मैं फेल हो गया तो क्या करूँगा, लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों इस फियर को हमें हटाना है। अगर हमें अपने आप को आज़ाद करना है तो हमें रिस्क लेना होगा, हमें नई चीज़ें ट्राई करनी होगी, हमें नई चीज़ें सीखनी होगी, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा। दोस्तों आई होप अगली बार में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी तो आप एक बार सोचोगे उसे ट्राई करने के लिए, आप ये नहीं सोचोगे कि मैं इसे नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही करियर रिलेटेड, मोटिवेशन रिलेटेड अगर आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।